हे गाइज, आपका वन सेकेंड वेलकम है टेक ऑफिस पे। और आज आप सभी के लिए लेके आया हुए एम आई रूम का लेटेस्ट अपडेट। क्योंकि इसके पहले जस्ट मैंने आपको ईयू का अपडेट दिया था, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे चेंज तो नहीं थे, लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे हमें एम आई रूम का अपडेट देखने को मिल गया है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे खासे मोटिफिकेशन चेंजिंग है जो कर सकते हो विदाउट किसी टेंशन के। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के बारे में कि कितनी इसकी परफॉर्मेंस मिलती है, कैसा आपको जो डिटेल्स मिलता है और क्या क्या आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक देना ना भूले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं इसके अबाउट के पेज में, जहाँ पे डिवाइस रेडमी का नोट 7 प्रो है, बिल्ड नंबर है 20.4.1। और अगर आप ये क्वेश्चन करने वाले हो कि 20.4.1 और बाकी के लिए आया है, नहीं तो जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नोट 7 प्रो के लिए आया है। उसके अलावा एम आई 10 और K20 प्रो के लिए आया है, लेकिन वो भी पहले वाला बिल्ड है, नंबर चेंज है, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड्रॉयड 10 का ये सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2023.1 का सिक्योरिटी पैच है, जो कि लेटेस्ट तो नहीं है, 1 मंथ ओल्ड है। 4G वाला मैं यहाँ पे वर्जन यूज कर रहा हूँ, क्रिप माइनस यहाँ पे जो कर्नेल यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर चेंज की बात करें इस अपडेट के अंदर, तो बहुत कम चेंज है, बट आप अपने तरफ से काफ़ी अच्छे खासे चेंज कर सकते हो। सेम आपको कॉमन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर आपको इंडिविजुअल डार्क मोड अभी तक ऐड नहीं किया गया है, तो सिर्फ उसे आपको ग्लोबल डार्क मोड का ही फीचर्स यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है, तो इनमें कोई भी खास चेंज है नहीं। वहीं पर नॉच के बिहेवियर पर आते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो आपको सो प्राइवेसी बिहेवियर आइकन देखने को मिलता है, ड्यूल नेटवर्क आइकन देखने को मिलता है और यूज ओल्ड बैटरी आइकन, यानी अगर आप इसका यूज करते हो तो डिवाइस एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो यहाँ पे चेंज होगा लेआउट, आप देख सकते हो मेरा फिलहाल चेंज है। उसके बाद प्राइवेसी का आइकन, जो कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से काम करता है और आपके प्राइवेसी को कितना ज़्यादा इंप्रूव करता है। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो के व्यूअर हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज कहो भाई क्या काम का है। ठीक है, ड्यूल नेटवर्क यानी पोको में जैसा ओवरलैप दिखाता है एक के ऊपर एक, उस टाइप से ये काम करेगा। होम स्क्रीन में वही सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन पैनल में कोई चेंज नहीं है, फिंगरप्रिंट परफेक्ट वर्किंग है, फेस अनलॉकिंग में वही आप ड्यूल फेस यूज कर सकते हो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एडिशनल के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का नेप बार को हाइड करने का भी फीचर्स मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको इसे इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले डेवलपर का ऑप्शन है जो ऑन करना होगा, जो कि MIUI के वर्जन पे टैप करके ओपन होता है। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूज न्यू जेस्चर्स, इसे अगर आप ऑन करके रिबूट करते हो तो आपको एंड्रॉयड 10 का जो नेप बार देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एनिमेशन भी आपको जो बिल्कुल ही अलग सा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इसे लॉक करता हूँ, लॉक करके अनलॉक करूँगा तो आपको जो अलग सा है जो यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिला है कुछ इस तरीके से, जो कि iOS जैसा आप कह सकते हो, तो ये काफ़ी कमाल का हो गया। रिसेंट पैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अलग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आप जो एंड्रॉयड 10 का फुल स्लाइडर भी यूज कर सकते हो। अब जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट एक ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप रिसीव कर सको। और ये दो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, MIUI 12 का गैलरी अपडेट और साथ साथ यहाँ पे टॉप 4 सिस्टम ऐप्स अपडेट, क्योंकि ये दोनों फीचर्स मैं अभी फिलहाल इस रूम के अंदर यूज कर रहा हूँ। अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये दोनों वीडियोज आपके लिए वॉच करना जरूरी है। अगर आप K20 प्रो के अलावा नेट 7 प्रो के यूजर्स हो तो ये आप यूज कर सकते हो MIUI प्रो। साथ ही साथ एसेंट सिविलाइजेशन का मैंने रिव्यू प्रोवाइड किया, तो बहुत सारे नोट 7 की वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना। तब आता है गैलरी का चेंज के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो अपने गैलरी को बस अपडेट करना होगा उस वीडियो से APK को डाउनलोड करके, उसके बाद आप अपने गैलरी का जो एल्बम है उसे अपने मैनुअली अरेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, आपको अपने गैलरी अपडेट करने के बाद ही जो ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कन्वर्ट EIF टू JPG, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 प्रो और 10 के लिए आया था, तो यहाँ पे उसी का गैलरी है जिसकी वजह से ये फीचर्स आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलता है। वीडियो कॉम्प्रेस वगैरह और स्काई मोड का तो फीचर्स कॉमन है, जो कि आपको मिलता ही मिलता है। वहीं पे अगर हम म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो आप काफ़ी टाइम से पॉपअप देख रहे होंगे, तो ये पॉपअप की फैसिलिटी आ गई है, बस आपको इनेबल करना होगा अपने म्यूजिक प्लेयर को अपडेट करके। तो वो मैंने आपको इस म्यूजिक प्लेयर के अपडेटर, जो कि टॉप 4 सिस्टम ऐप्स है, इनमें बताया था। तो यहाँ से आप APK लेके ये फीचर्स एक्टिव कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी यूट्यूब के वीडियोज को बैकग्राउंड में प्ले कर पाओगे, यहीं से कंट्रोल कर पाओगे कुछ इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा आपको चेंज मिलता है। कैलेंडर के अंदर आपको पहले चाइना का सब कुछ दिखाई देगा, तो बस कैलेंडर के सेटिंग्स में जाना है और ये जो ऑप्शन है इसे आपको ऑफ कर देना है। पहले से ऑन रहता है, तो ऑप्शन को ऑन करते ही आपका जो जितना भी चाइना का लैंग्वेज है कैलेंडर के अंदर वो रिमूव हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा खासा जो चीज़ें देखने को मिलेगा। वहीं पर कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले वाला ही देखने को मिलता है, तो कैमरे में कोई भी इंप्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आया है, ना ही कोई चेंज, तो जैसा था वैसा ही है। अब बात करते हैं कुछ सिक्योरिटी वाले चीज़ों के ऊपर।
तो जैसा कि आपको पता है कि ये एमआई रूम हमेशा रूटेड आता है, तो रूटेड आने के साथ साथ यहाँ पे आपको कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20.4 का यूज किया गया है, लेकिन आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास रहता है, यानी आप बैंकिंग के ऐप बाय डिफॉल्ट यूज कर पाओगे, क्योंकि आपका प्ले स्टोर भी है जो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड रहता है। और वहीं पर अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो ये सपोर्ट करता है रोम, यानी आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहेगी कि एमआई रूम अभी तक L1 का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है इस अपडेट में, तो आपको फुल HD कंटेंट नहीं मिलेगा, बट आप नेटफ्लिक्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। वहीं पर Antutu का स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेटर है, यानी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गया है, तो आपको यहाँ पर टोटल स्कोर है 211583 का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आप पब्जी वगैरह प्ले कर पाओगे। और आप चाहते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर टूपर स्मूथ रहे, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो एंड्रॉयड 10 का जो नेम बार है ना, इसे आप इनेबल ना करो, क्योंकि इसे इनेबल करने के बाद हल्का सा लैग जैसा फील होने लगता है सिस्टम। तो अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो आपको जो सब कुछ है जो बेटर फील होगा और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज लगेगा। लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से गिल्च शो कर रहा है सम टाइम, तो ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 10 के नेब बार की वजह से होता है। तो अगर आप इसे ऑफ रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा और फुल बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। तो आई होप सो गाइस कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट या रह गया है क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स का या फिर टेलीग्राम का यूज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई है और ये वॉलपेपर अच्छा लगा है, तो वॉलपेपर का लिंक आपको टेलीग्राम के वॉलपेपर के चैनल पे मिल जाएगा। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। बाय बाय।